बैठे 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 प्लीज बैठे 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 प्लीज बैठिए बैठे 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 प्लीज बैठे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुनो बात सुनो, खामोश हो जाओ खामोश हो जाओ खामोश हो जाओ। सुनो 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 सुनो, नारे नहीं लगाओ, ये वाले नारे नहीं लगाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम खालिद मक़बूल सिद्दीकी भाई, जनाब फारूक सत्तार भाई, राबता कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, हैदराबाद के जोन के तमाम जिम्मेदारान, टाउन के जिम्मेदारान कारकुनान, यूसीज के जिम्मेदारान कारकुनान, शोभा जात और मेरी माओ बहनों बुजुर्गों नौजवानों, मीडिया के तमाम दोस्तों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान में निजाम एक तरफ, सिंध के शहरी इलाकों का निजाम एक तरफ, पूरे पाकिस्तान में जो जहां है उसको उतना गिना जाए, हमारी जब गिनती की बारी आती है गिनती भूल जाते हैं। हमें 70 सालों से जायद होने के बाद हमारा भी यह हक भी नहीं, हमें नहीं मिला कि हमें गिना सही जाए। फिर उस गिनने के बाद, गलत भी गिनने के बाद, अगर इंतखाबात कराने और हलका बंदियां करनी है तो जहां पर हमारा मानने वाला चाहने वाला हमारा सपोर्टर है वहां पर 90,000-95,000 लोगों पर एक यूनियन काउंसिल, जहां पर हमारा वोट नहीं है, हमारी बात करने वाला नहीं है, हमारे ख्यालात को मानने वाला नहीं है, वहां पर 7,000-8,000-10,000-12,000-15,000 पे एक यूनियन काउंसिल। ये कैसा निजाम है? ये कैसा निजाम है? फिर नाम नहाद इलेक्शन सिंध में, इलेक्शन के 3 मरहले हैं। एक इलेक्शन के दिन से पहले वाला मरहला, जहां पर आप उस इलाके के लोगों को गिनो पूरा, फिर उसकी हल्काबंदी सही करो, ये इलेक्शन से पहले, उसमें हम फारिग। फिर इलेक्शन के दिन वाला मरहला, सूबाई हुकूमत के सारे ओहदेदार, पुलिस समेत डाकू समेत, सारी दुनिया के कैमरे देख रहे हैं कि डाकू और पुलिस इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को वीडियो जा रही है, नेशनल चैनल दिखा रहे हैं। कोई इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल नहीं, अपने सरकारी अफसरान बिठा रहे हैं, वो रिजल्ट बनाकर दे रहे हैं। परसेंटेज 7-7 दिन हो गए, 5-5 दिन हो गए, कंप्लीट नहीं हो पा रहा रिजल्ट, क्योंकि वोट पड़ा नहीं है, इलेक्शन के दिन के बाद डाला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों नौजवानों, किससे फरियाद करें, कहां जाएं? आज सिंध के शहरी इलाकों में जो महरूमी है और जो इस सूबे की पीपल्स पार्टी, इस
शहरी इलाकों के साथ कर रही है। कश्मीर में नरेंद्र मोदी भी मकबूजा कश्मीर में वो कुछ नहीं कर रहा कश्मीरियों के साथ जो आज सिंध के शहरी इलाके के लोगों के साथ किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगाकर पूछता हूं, ये कौन सी खिदमत हो रही है पाकिस्तान की? क्या कसूर है हमारा? कब तक हमें यह सहना पड़ेगा? कितने और सबूत देने पड़ेंगे? कौन सी तहरीक चल रही खुदा न खास्ता यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कि आप वफाकी हुकूमत में तो हिस्सा छोड़ो, सूबाई हुकूमत में तो हिस्सा छोड़ो, मुझे मेरी गली में पानी का अख्तियार, मुझे मेरी गली के सीवेज गटर लाइनों का अख्तियार, मुझे मेरी गली के कचरा उठाने का अख्तियार, मुझे मेरे बच्चों को पीले स्कूल में पढ़ाने का अख्तियार, मुझे टूटी फूटी डिस्पेंसरियों में अपना इलाज कराने का अख्तियार, मुझे रात में बिजली सुबह गैस का अख्तियार आप देने के लिए तैयार नहीं हो। किस लिए? क्या करे ये नस्ल? अब कौन सी और कुर्बानी दे कि आप हमें इन इख्तियार, हमें जिंदगी की जरूरियात के लिए जो इख्तियार चाहिए आप उसमें भी गेरीमेंडरिंग कर रहे हो। ए पाकिस्तान चलाने वालों, 23 डिस्ट्रिक्ट में 21 डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी के पास है, क्या आफत आ जाती कि एक अक्सरियत में रहने वाले लोगों को अकलियत में बदला जा रहा है? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? किस पर फायदा पहुंचाया जा रहा है? किस पाकिस्तान की खिदमत हो रही है कि यह सब कुछ करके मुझे मेरी गली के कौंसलर से कचरा उठाने का भी अख्तियार छीन लो? ये आज कोई नहीं देख रहा। ये महरूमी क्या खत्म हो जाएगी खुद ब खुद? कोई दवा खाएंगे हम मुर्दे वतन हो जाएंगे, कोई इंजेक्शन लगाएंगे हम पाकिस्तानी मुर्दे वतन और ज्यादा हो जाएंगे। यही महरूमियां बढ़ बढ़कर कल को कोई इन्हीं मायूस महरूम और बेचैन लोगों को, नौजवानों को कल कोई आकर आवाज लगाएगा और कुछ नौजवान उसके पीछे चल पड़ेंगे तो आ जाओगे तुम बंदूक लेकर इनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लापता करने के लिए। आज जो ये सूबाई हुकूमत कल के दहशतगर्द बना रही है आज इसको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पाकिस्तान के चलाने वालों, हमारा और इम्तिहान मत लो, हमें हमारा हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस कौम ने, इन शहर वालों ने अपने हिस्से की इससे ज्यादा कुर्बानी इस पाकिस्तान के लिए दे दी है और देते चले आ रहे हैं। हमें इस बात पे फख्र है, लेकिन हम अपने जीते जागते अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद नहीं कर होने देख सकते। हमारी नस्ल खुशी हो रही है, हमारी नस्ल खुशी हो रही है, कोई उम्मीद नाम की चीज नहीं रह गई है। कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाएं? कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई आईनी इदारा, ना सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनती है, ना इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनता है, ना कोई पाकिस्तान की अदालत, ना कोई पाकिस्तान का आईनी इदारा हमारी बात सुनता है। कहां जाए, अब इंतहा हो गई है। हम अपने जीते जी अपनी नस्लों के लिए बेहतर रास्ते का इंतखाब करके जाना चाहते हैं। हम अपने हक की बात कर रहे हैं और हम अपने जब हक की बात कर रहे हैं तो हम किसी के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। ऐ मेरे साथियों, इस सिंध की तारीख रही है कि हमें तमाम मसाइल से पीछे हटाने के लिए हमें कम्युनिटीज के साथ इंगेज कर दिया गया। कभी सिंधियों से लड़ाई, कभी पख्तूनों से लड़ाई, कभी किसी और से लड़ाई, और 40 साल हो गए लोग अपनी हुकूमतें करते रहे
और इंगेज होकर हमने अपने पीले स्कूल को खो दिया, अपने तालीम को खो दिया, अपने रोजगार को खो दिया, अपने कोटा सिस्टम को खत्म कराने को खो दिया। आज भी कोशिश होगी, आज ये मुत्तहिदा मुत्तहिद मुत्तहिदा आज जब अपने हुकूक के लिए एक साथ है और हमने बहुत कुछ हासिल किया है। ये जो बार बार आप टीवी पे सुनते हो कि हुकूमत सिंध ने पहली दफा, वो हुकूमत सिंध जो कि कोई बात मानती नहीं आसानी से, उसने पहली दफा एमक्यूएम की बात पर, डिमांड पर ये बात मान ली कि हाँ हमसे गलती हुई है और हमने इस कराची में 53 यूनियन काउंसिल्स को कम गिना है, कम कर दिया है। हमने हैदराबाद में डिलिमिटेशन सही नहीं की है और उसको हल करने के लिए उसने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा, जो आप बार बार सुनते हो कि सेक्शन 10(1) को विड्रॉ किया, आपने लेटर लिखकर विड्रॉ किया। उसका मतलब यही है कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम ये 53 हल्के ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, और इलेक्शन कमीशन का ये हक नहीं था आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि वो सूबाई हुकूमत की बात नहीं माने। उसने उसकी बात नहीं मानी और इलेक्शन करा दिया। लेकिन मैं आज आपके तवस्सुस से ये मुतालबा करता हूं सिंध हुकूमत से कि इलेक्शन हो गया, हम इसको देखेंगे बाद में, अभी चूटियों में दाल बट रही है। लेकिन आपने जो सेक्शन 10(1) का लेटर निकाला है 53 यूनियन काउंसिल को इस कराची में शामिल करने के लिए और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करने के लिए, आप इलेक्शन होने के बावजूद भी अपने लिखाए अपने निकाले हुए लेटर पे अमल दरामद करो, बोलो मेरी बात की तारीफ करते हो या नहीं करते हैदराबाद वालों। हम ये मुतालबा करते हैं कि हम नहीं कह रहे आपने लेटर निकाला है कि हमसे गलती हो गई है, भले इलेक्शन हो गए, हम इलेक्शन में हमने हिस्सा नहीं लिया। अगर आपने अपनी इसी बना निकाले हुए लेटर को अगर अमल दरामद कर दिया तो मैं आपसे कहता हूं, मैं है हैदराबाद वालों, हम इलेक्शन से बाहर रह के भी हमने कौम की खिदमत कर ली और कौम के हुकूक हासिल कर लिए, कौम की खिदमत कर ली और कौम के हुकूक हासिल कर लिए। ये इलेक्शन लड़ने वालों ने कौम का सौदा किया है, जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है, अगर वो एक महीने ठहर जाते 53 यूनियन काउंसिल एक पूरा शहर बनता है, 53 यूनियन काउंसिल के पैसे आते, 53 यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारियां मिलती, 53 यूनियन काउंसिल के कितने सारे काउंसिलर चेयरमैन बनते, ये सारा हक इसलिए छिन गया कि इन पार्टियों को इलेक्शन लड़ने की जल्दी थी, उनको लगा कि ये मौका अच्छा है, एमक्यूएम बाहर है, हम किसी तरह से चंद दिन मजे कर लें। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इनको मजे नहीं करने देंगे, बोलो तैयार हो, हम इनको मजे नहीं करने देंगे। मेरे साथियों, खत्म करता हूं अपनी बात एक बात करके कि देखो ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है, कोई तुम्हें हुकूक हाथ पर रखकर नहीं देगा, थाल में सजाकर नहीं देगा, दुनिया से जुल्म जब जब जुल्म हुआ है वो जालिम के जुल्म करने से नहीं बढ़ा, मजलूम के खामोश रहने से बढ़ा है। हैदराबाद वालों, रातों में टॉक शो देखकर चौकों पे हुक्मरानों को गालियां बककर अगर हम रात में जाकर सो जाएंगे, सुबह जालिम मरा हुआ नहीं मिलेगा। हमारी बद्दुआओं से, हमारी गालियों से आज तक कोई जालिम हुक्मरान मरा नहीं है। रब कह रहा है कि दुनिया में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर टूट कर नहीं गिरता, तो जब रब की मर्जी के बगैर पत्ता टूट कर नहीं गिरता तो इस मुल्क से इतना सारा जुल्म रब की मर्जी के बगैर कैसे खत्म हो सकता है? और रब की मदद कब आती है? जब मजलूम कोशिश करता है, जब मजलूम जद्दोजहद करता है। और हम कोई हथियार उठाकर किसी को मारने मरने की बात नहीं कर रहे, हम तो तबलीग करने की बात कर रहे। हमने एक एक दरवाजे पर जाना है, हमने हैदराबाद के एक एक घर को जाकर आवाज लगानी है, उसको बुलाना है, और हमने कोशिश करके
कोशिश करके दिखाना है, हमने इस्तेमाल करने हैं, हमने रैलियां निकालनी है, हमने मुजाहरे करने हैं, हमने इन इलेक्शन में जीत कर आने वालों का मुआवजा करना है, हमें बताना है हैदराबाद वालों ने कि लोग किसके साथ है, लोग इलेक्शन जीत कर आने वालों के साथ है या लोग इलेक्शन से दूर रहकर रुकू की बात करने वालों के साथ है इंशाअल्लाह ताला। तो हम ये बताएंगे, जब हम ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर अल्लाह